हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है और मैं हूँ टारगेट गुलकुश से। ठीक है, तो हमारी एक सीरीज चल रही है, आपको पता है एग्जाम पास आने वाला है। ठीक है, इस मंथ के लास्ट तक आपका 28 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन सीरीज लेकर आया है। ये जो क्वेश्चन सीरीज आज हम लेकर आए हैं वो है BA थर्ड सेमेस्टर की। ठीक है, किसकी है BA? तो ये BA थर्ड सेमेस्टर की बेसिकली है। और BA थर्ड सेमेस्टर में ये पूरे की पूरी हम बात करने वाले हैं एंशंट हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री में करा चुका हूँ, अगर आप मिडिवल हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, BA थर्ड सेमेस्टर एंशंट हिस्ट्री, इसी तरीके से आपको मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री भी मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं पूरा का पूरा पैटर्न क्या हो गया भाई, MCQ हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या कराना पड़ेगा, हर चीज हमें MCQ बेस पे हमें चीजें देखनी पड़ेगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा MCQ लगाइए, हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि देखो एग्जाम पास आ रहा है तो आपको क्या जरूरत है, आपको जरूरत है कि आप MCQ ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में क्या करें, लगाएं। ठीक है, तो इसी की श्रृंखला में ऐसे कई वीडियोस अभी आएंगे, यूट्यूब पे भी डालेंगे हम और इसको हम अपने ऐप में भी डालेंगे। अगर आपको एडिशनल और चाहिए तो हम इसको अपने ऐप में डालेंगे, टारगेट गुरुकुल वाले। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप समझ गए होंगे BA थर्ड सेमेस्टर की ये क्या है, एंशंट हिस्ट्री है। ठीक है, हम किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम बात करने वाले हैं उत्तर गुप्त वंश के बारे में, ठीक है, क्या बात करेंगे, उत्तर गुप्त वंश के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बात करेंगे, इसके बाद मौखरी वंश के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि कन्नौज का है, तो मौखरी डायनेस्टी कन्नौज की। ठीक है, और क्या हम बात करने वाले हैं इसके अलावा, उत्तर गुप्त वंश आप जानते हैं कहाँ का था, उत्तर गुप्त वंश था मगध का था। ठीक है, और वर्धन वंश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वर्धन डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, वर्धन डायनेस्टी जानते हैं, थानेश्वर से इसका ओरिजिन होने वाला था। ठीक है, तो हम ये सारी बातों को डिस्कस करने वाले, ये डायनेस्टीज हमारा बेसिकली टॉपिक है। ठीक है, अब ये थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस देखेंगे तो हमें ये टॉपिक्स उसमें मिलेंगे। ठीक है, और भी टॉपिक्स हैं इसके अलावा भी, जैसे मालवा का एक शासक था देवगुप्त। ठीक है, मालवा में देवगुप्त का शासन हुआ करता था, उसके बारे में बात करेंगे। फिर एक भास्कर वर्मन शासक थे जो असम कामरूप के थे, उनके बारे में बात करेंगे। एक साथ कई सारी डायनेस्टीज हैं, तो कौन किसके कंटेम्परेरी है हमें वो सारी बातें भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे है। ठीक है, फिर आगे चलेंगे, यशो वर्मन एक शासक होता है। ठीक है, यशो वर्मन ने भी शासन करने का काम किया, अगर यशो वर्मन का टाइमलाइन देखेंगे तो 720 से लेके 743 AD तक रहा। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास टॉपिक्स हैं, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। आज हम बात करने वाले हैं दो लोग के बारे में, आज हम बात करेंगे उत्तर गुप्त वंश की, जो कि कहाँ का था, मगध का था। ठीक है, और मौखरी डायनेस्टी जो कहाँ की थी, कन्नौज की थी। ये दो टॉपिक्स आज हम लेके चल रहे हैं और आज हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वर्धन डायनेस्टी, जो कि कहाँ की थी, थानेश्वर की थी। उन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट करी कहाँ पे, कन्नौज में। ठीक है, इसके प्रमुख शासक जो रहे, हर्षवर्धन का नाम सुना होगा, प्रभाकर वर्धन का नाम आपने सुना होगा, ये सारी बातें आपने सुनी होंगी। ठीक है, चलो एक बार इसको लिख लेना, क्योंकि भाई हम पढ़ा क्या रहे पहले वो जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक बार इसको देख लीजिएगा आप, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे फोन में भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीजों की जहां मुझे हेल्प मिलेगी तो मैं वहां देखता चलूंगा, सुनिएगा, क्योंकि ये जस्ट वीडियो, अगर कभी कभी वीडियो थोड़ा सा लंबा बनता है तो मुझे चीजें पता चलती रहती अपडेट्स के थ्रू। सुनिएगा, पहला क्वेश्चन है, असगर का लेख किस वंश का है।
क्वेश्चन क्या है, अफजगर का लेख किस वंश का है बेसिकली, ठीक है। तो आप जानते हैं जो अश्वर अभिलेख है वो कौन से शासन का है, उत्तर गुप्त वंश का है। कौन से शासन का है, उत्तर गुप्त वंश का है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन हो गया भाई, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अफजगर का लेख गुप्त वंश के किस शासक का। यहाँ पे अफजगर आर्टिकल बिलोंग टू विच डायनेस्टी, अस्कर इंस्क्रिप्शन किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, तो ये होगा आपका उत्तर गुप्त वंश। क्या होगा, उत्तर गुप्त वंश, मतलब इसको हम लेटर गुप्त डायनेस्टी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लेटर गुप्त डायनेस्टी, ठीक है। अजगर का लेख गुप्त वंश के किस शासक से, क्या लिखा है, अजगर का लेख गुप्त वंश के किस शासक का है, तो किस शासक का है, तो आपको सभी को पता होगा कि ये जो अभिलेख है वो किसने बनवाने का काम किया, वो बनवाने का काम किया आदित्य सेन ने। किसने बनवाया, आदित्य सेन ने बनवाया, ठीक है। इसे आदित्य सेन ने उत्कीर्ण करवाने का काम किया था, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड आंसर हमारा क्या होगा, आदित्य सेन होगा, ठीक है। देख लीजिए, दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। देखो जब हम उत्तर गुप्त वंश के बारे में बात करते हैं तो दो अभिलेखों के बारे में जरूर हम बात करेंगे, दो अभिलेखों का हम जिक्र करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो अभिलेख है वो है अफगर अभिलेख, और दूसरा जो अभिलेख है वो है देवबनाक अभिलेख। ठीक है, कभी भी आप उत्तर गुप्त वंश के बारे में बात करेंगे तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग भी कहां से हो रही है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग भी हो रही है पहले अफजगर अभिलेख, अफजगर अभिलेख की शुरुआत किसने की, किसने खुदवाया, इसमें कितने शासक थे, हम ये बात करेंगे, फिर देवबनक अभिलेख के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां तक अफजगर अभिलेख का गुप्त वंश के किस शासक से संबंध है, किसने इसको खुदवाया, तो इसको किसने खुदवाया, आदित्य सेन ने क्या किया, इसको उत्कीर्ण करवाने का काम किया था, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दोनों का नाम लिख लो, अफजगर इंस्क्रिप्शन और देवबनक इंस्क्रिप्शन। थोड़ी बहुत बातें बस आपको नोट करते हुए चलनी है, बस थोड़ी बहुत बातें क्या करनी है, आपको नोट करते हुए चलनी है। ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ जानना है, नहीं, हमें सब कुछ नहीं जानना है, थोड़ी बहुत बातें बस हमें नोट करते हुए चलनी है, ठीक है। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, देवबनक लेख किस शासन ने उत्कीर्ण करवाने का काम किया। मैंने बताया दो से क्वेश्चन आता है, एक अफजगर अभिलेख से आता है, एक देवबनक अभिलेख से आता है। तो देवबनक अभिलेख किसने किया, तो किया था उसको जीवित गुप्त द्वितीय ने करवाया। किसने करवाया, जीवित गुप्त द्वितीय ने। विच रूलर गॉट द इंस्क्रिप्शन ऑफ देवबनक इंग्रेव, तो क्या होगा इसका आंसर, जीवित गुप्त द्वितीय। क्या होगा, जीवित गुप्त द्वितीय, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें तीन शासकों के बारे में बताया गया है, क्योंकि भाई देखो डायनेस्टी कहां से खत्म होती है, गुप्त उत्तर गुप्त वंश का आखिरी शासक कौन था, आदित्य सेन था, ठीक है। लेकिन इसमें आदित्य सेन के बाद भी तीन लोग के बारे में, तीन शासकों के बारे में बताया गया है, वो तीन शासक कौन थे, जैसे देवगुप्त था पहला शासक, ठीक है, उसके बाद विष्णुगुप्त था, और लास्ट शासक कौन है, लास्ट शासक है जीवित गुप्त। जीवित गुप्त द्वितीय होगा, ठीक है, क्या होगा, जीवित गुप्त द्वितीय, ठीक है। और इसको किसने, देवबाग अभिलेख किसने उत्कीर्ण करवाया, जीवित गुप्त द्वितीय ने करवाया, और आखिरी शासक भी यही था, ध्यान रखिएगा। कई अगर ऑप्शन में अगर जीवित गुप्त अगर नहीं लिखा हुआ है तो बहुत हद तक आदित्य सेन भी ठीक होगा, ठीक है, अगर आखिरी शासक अगर आपसे पूछे और जीवित गुप्त ऑप्शन में ना हो तो आदित्य सेन भी ठीक रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ एक इंस्क्रिप्शन के बारे में, देवबनक इंस्क्रिप्शन के बारे में, मतलब देवबनक इंस्क्रिप्शन में ये लिखा गया है कि हमें इन बस तीन शासकों के बारे में पता है, देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवितगुप्त, बस इसके अलावा हमें और किसी के बारे में नहीं पता है। इससे पहले के जो आठ शासक है उनके बारे में अजगर अभिलेख में वर्णन दिया हुआ है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए, अभी तक तो कोई डाउट आपको नहीं है, ठीक है, ओके। अब हम कुछ और बातों को करने का काम करेंगे, हम और क्या बातें करने वाले हैं आपसे, एक बार इसको नोट कर लेना।
देवबनक इंग्रेव में किसका किसका नाम लिखा है, तो तीन इसमें रूलर्स का, तीन इसमें किंग्स का नाम लिखा हुआ है, लास्ट के तीन शासकों का उत्तर गुप्त वंश के, कौन कौन है, देवगुप्त है, विष्णुगुप्त है और जीवित गुप्त द्वितीय है। ठीक है, देवबनक का लेख किस शासक ने उत्कीर्ण करवाया था, तो जीवित गुप्त द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, हाँ, आप हमारा बीए थर्ड सेमेस्टर का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर पे जाके टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें डीडी यूनिवर्सिटी में जाकर के बीए थर्ड सेमेस्टर का आपको कोर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, हमारे बैच में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमारे बैच का क्या नाम है, बैच का नाम है सारथी बैच। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने का काम करूंगा। ठीक है, इसके अलावा आपको इंग्लिश भी मिलेगा, हिंदी मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपको दोनों मिलेगा, एंशियंट हिस्ट्री भी मिलेगी आपको और मिडाइवल हिस्ट्री भी मिलेगी। ठीक है, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री मिलेगी। इसके अलावा आपको सोशियोलॉजी मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा। इन सबके एमसीक्यूज आपको क्या होंगे, अवेलेबल हम कराएंगे, और हम जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक हम बहुत सारे क्या लेकर आएंगे, वीडियोस लेकर के आएंगे, हर सब्जेक्ट के हम वीडियोस लेकर आएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी क्या कर लीजिए, माय कोर्स को इनरोल कर लीजिए। अब बहुत आसान है, देखिए हमारा प्राइस क्या है, हमारा प्राइस है 249 रुपीज, बहुत सस्ता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप गुरुकुल 10 लगाएंगे, कूपन कोड यूज करेंगे तो 10% आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, हमारा प्राइस भी आप देखिए 249 है, बहुत ज्यादा कम है, कोई बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है। ठीक है, चलिए मेरा काम था ये चीज बताना, अब हम अपने एमसीक्यू वाले चीजों पे वापस आ जाते हैं। चलिए, ऊपर हमने कर लिया था देवबनक और अजगर अभिलेख के बारे में हमने बात किया था आपसे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हस्तचरित की रचना किसने की है, कौन सा टॉपिक है, हस्तचरित है, हस्तचरित की रचना किसने की है। तो हर्ष के बारे में बताया है, उसकी लाइफ के बारे में बताया, उसकी पॉलिटी के बारे में बताया, उसकी इकोनॉमी के बारे में बताया है। ठीक है, सब चीजों के बारे में बताया, किसने बताया है, तो बताया है ये बाण भट्ट ने। ठीक है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन हर साल आता है, 100% इस बार भी आएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हर्षचरित की रचना किसने की है, हर्षचरित की रचना की है बाण भट्ट ने। कादंबरी का लेखक कौन है, कादंबरी और ये जो हर्षचरित है ये दोनों सेम इंसान ने लिखी है। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो, एच के एक इंसान ने लिखी है, एच के किसने लिखी है, बाण भट्ट ने लिखी है। ठीक है, तो कादंबरी किसने लिखी है, कादंबरी भी लिखी है बाण भट्ट ने। ठीक है, कादंबरी भी किसने लिखी है, बाण भट्ट ने लिखी है। ठीक है, देख लिया आपको, आप ऐसे याद कर सकते हैं, एच के, हर्षचरित और कादंबरी किसने लिखी है, बाण भट्ट ने लिखी है। ठीक है, उसी का दरबारी कवि हुआ करता था। चलो नेक्स्ट है, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, तो पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, चंद बरदाई नहीं, चंद बरदाई की रचना क्या है, जल्दी से बताइए मुझे, चंद बरदाई की क्या रचना है, पृथ्वीराज आसो लिखा है चंद बरदाई ने, कल्हण ने क्या लिखी है, कल्हण ने रास तरंगनी लिखी है, जगदल उतना फेमस नहीं है, तो पृथ्वीराज विजय लिखने का काम किया है जयानक भट्ट ने। क्या नाम है इनका, इनका नाम है जयानक भट्ट। Who composition? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय has been written by a person name as जयानक भट्ट। क्या नाम है उनका, उनका नाम है जयानक भट्ट। ठीक है, चलो देख रहे हो सारी चीजें, चलो ठीक है, चलो यहां तक समझ गए। अब एक किताब का नाम लिखा है, लिखा है काव्य मीमांसा किसने लिखी है। ठीक है, तो काव्य मीमांसा किसने लिखी है, एक बार नीचे हम चेक कर लेते हैं आंसर लिखा हुआ है, तो काव्य मीमांसा लिखने का काम किया गया है, राजशेखर ने लिखा, किसने लिखा है इसको, राजशेखर ने लिखा। ठीक है, ठीक है, काव्य मीमांसा किसने लिखी है, काव्य मीमांसा लिखी है राजशेखर ने। ठीक है,
अब कुछ नाम और हैं, जैसे मेरुतंग नाम लिखा हुआ है, तो मेरुतंग ने क्या लिखी है? प्रभात चिंतामणि लिखी है, ठीक है। क्या लिखा है? प्रभात चिंता मणि, ठीक है। बाण भट्ट ने क्या लिखी है? बाण भट्ट ने, अभी हमने आपको नाम बताया, बाण भट्ट ने लिखा है हस्तचरित और कादंबरी लिखी है, ठीक है। अलबुरूनी ने क्या लिखा है? अलबुरूनी ने किताब लिखी है, सो कहते हैं किताबुल हिंद, या इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है तहकीके हिंद, ठीक है। तो ये किसने लिखी है? अब्बू रहमान अल बरूनी ने लिखी है, ठीक है। काव्य मीमांसा किसने लिखी है? याद करते चलो मेरे साथ, आप वीडियो भी देखते रहिए, लाइक कीजिएगा, और आप याद करते चलिए मेरे साथ भी चीजों को, ठीक है। हम इतनी बार आपको रिवीजन कराएंगे कि आपको जुबान पे रट जाएंगे सारी के सारे एमसीक्यू। चलो, प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? मेरुतंग ने लिखी है। मैंने यहाँ लिखा है प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी है? मेरुतंग ने लिखी है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर मंजली किसने लिखी है? कौन क्वेश्चन है? कपूर मंजली किसने लिखी है, ठीक है। तो कई ऑप्शन है, जनक भट्ट है, राजशेखर है, कल्लण है, महेंद्र पाल है। चलो देख लेते हैं किसने लिखी है, ठीक है। तो कपूर मंजिली भी लिखी है किसने? राजशेखर ने लिखी। किसने लिखी है? राजशेखर। कपूर मंजिली किसने लिखी है बच्चों? राजशेखर ने लिखी है, ठीक है। रामचरित किसने लिखी है? रामचरित लिखी है राजशेखर ने, नहीं लिखी है भभूति में, नहीं लिखी, मेरुमत्तंग भी नहीं लिखी है। किसने लिखी है? संध्याकर नंदी ने लिखी। किसने लिखी है? संध्याकर नंदी ने लिखी है, ठीक है। देख रहे हो मेरे को? अगर समझ में आ रहा हो प्लीज इसको लाइक करते रहिएगा वीडियो को। चलो, कीर्ति कौमुदी के लेखक कौन है? कीर्ति कौमुदी, क्या क्वेश्चन पूछा है? कीर्ति कौमुदी के लेखक कौन है? एक बार जस्ट मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। हाँ, कीर्ति कौमुदी के लेखक कौन है? कीर्ति कौमुदी के लेखक कौन है? जल्दी से बताओ, क्या है? कीर्ति कौमुदी के लेखक कौन है? तो कीर्ति कौमुदी किसने लिखी है? कीर्ति कौमुदी लिखी है राजशेखर ने। किसने लिखी है बच्चों? राजशेखर ने लिखी है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख दूं आपको, संवत कौमुदी किसने लिखी है? संवत कॉमेडी किसने लिखी है? तो संवत कॉमेडी लिखी है राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। किस भाषा में? बंगाली में ये, ठीक है। चलो, कीर्ति कॉमेडी के लेखक कौन है? राजशेखर है। राजतरेंदी किसकी रचना है? कलहण की रचना है। किसकी रचना है? कलहण की रचना है। बहुत फेवरेट बुक है कलहण की। क्या नाम है इसका? राज तरंगनी, ठीक है। ये क्या है? ये किताब लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के ऊपर। ये किसके कंटेम्परेरी में थे? ये कंटेम्परेरी ऑफ राजा जय सिंह। एक राजा वहां के थे जिनका नाम था जय सिंह, उनके कंटेम्परेरी ये थे, ठीक है। कलहण को बाद में बेसिकली तीन या चार पार्ट्स में लिखा गया है, ठीक है। तो पहली जो कलहण की लिखी गई है वो किसने लिखी है? राज तरंगनी लिखी गई है। बाद में इसके कई सारे पार्ट्स आए, पार्ट सेकंड आया, पार्ट थर्ड आया, पार्ट फोर्थ आया, तो दो लोगों ने मिलकर इसको लिखने का काम किया है, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन अगर बन जाए कि कलहण कितने चैप्टर्स में है, ठीक है, तो कितने चैप्टर्स है कलहण के, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि राज तरंग मतलब कि जो राज तरंगनी है उसमें चैप्टर्स कितने हैं, हाउ मेनी चैप्टर्स इन द राज तरंगनी, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट आता है प्रिया दर्शिका किसने लिखी है? क्या आता है? प्रिया दर्शिका, देखो तीन किताबें आएंगी, ये तीन किताबें एक ही इंसान ने लिखी है। किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने लिखी है, ठीक है। तो
तो हम उन तीन किताबों पर जस्ट आते हैं। चलो, कौन कौन सी किताबें हैं? पहली किताब है प्रियदर्शिका। पहली किताब का क्या नाम है? पहली का नाम है प्रियदर्शिका। दूसरी किताब का नाम है नागंदा। तीसरी किताब का नाम है रत्नावली। ठीक है, तो पहली है जो है वो है प्रियदर्शिका। ये किसने लिखी है? ये लिखी है हर्षवर्धन ने। ये क्या हुआ है बेसिकली, इसको कहते हैं यूनियन ऑफ किंग उदयन एंड प्रियदर्शिका। यूनियन ऑफ किंग उदयन एंड प्रियदर्शिका, ठीक है। फिर दूसरी बुक आती है, इसका नाम है नागंदा। क्या नाम है बच्चों? नागंदा नाम है। नागंदा भी किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने ही लिखी है नागंदा। अब नागंदा किस चीज के बारे में है? तो एक स्टोरी है, एक स्टोरी है प्रिंस जिमूतवाहन की, ठीक है। उन्होंने खुद मतलब किसी को सैक्रिफाइस होने से बचाया और खुद की जान दे दी, इसके बारे में यहाँ पे स्टोरी दी गई है। और तीसरी बुक है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है रत्नावली, ठीक है। ये बेसिकली बहुत फेमस लव स्टोरी है किंग उदयन एंड रत्नावली की। क्या है? लव स्टोरी है किंग उदयन एंड रत्नावली की। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। बस आपको क्या करना है, इन तीनों बुक्स का क्या करना है, नाम याद रखना है, ठीक है। बेसिकली ये प्रिंस थी जिनका नाम था रत्नावली। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, लेकिन अभी मैं नहीं सुना सकता क्योंकि भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। नहीं तो मैं आपको इन कहानियों को सुनाता, ठीक है। तो पहली किताब अगर आपसे पूछी जाए, हर्ष की तीन किताबें, हर्ष की क्या है? हर्ष की तीन किताबें हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन की तीन किताबें कौन कौन सी हैं? पहली है प्रियदर्शिका, ये है यूनियन ऑफ किंग उदयन एंड प्रियदर्शिका। फिर है नागंदा स्टोरी ऑफ प्रिंस जिमूतवाहन। ये 15वें नंबर पे रत्नावली है, ये क्या है? लव स्टोरी है किंग उदयन एंड प्रिंस रत्नावली की। प्रिंस रत्नावली कौन थी, ठीक है? ये सैलोन के राजा हुआ करते थे, किंग ऑफ सैलोन थे। सैलोन देश तो आप जानते हैं ना, श्रीलंका पास है, वहां की क्या कहते हैं राजकुमारी हुआ करती थी, ठीक है, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी जल्दी से सारी चीजें कर लेंगे, कोई जल्दी जल्दी सारी चीजें कर लेते, बहुत टाइम नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर काव्य की रचना किसने की है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमीर काव्य की रचना किसने की है, ठीक है। तो हमीर काव्य की रचना की है जयचंद ने। किसने की है? जयचंद ने की है। चंदबरदाई नहीं होगा, चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है, ठीक है। तो हमीर काव्य की रचना की सोमेश्वर भी नहीं होगा, ठीक है। कलहण की आप किताब का नाम जानते ही हैं, अभी मैंने बताया रास तरंगनी नाम है, ठीक है। तो हमीर काव्य की रचना किसने की है? जयचंद ने की है। अगर आपसे पूछे हु कंपोज द हमीर काव्य, तो हमीर काव्य किसने कंपोज किया है? ये किया है जयचंद ने, ठीक है। चलो अब हम एक लेख के ऊपर आएंगे, जिसका लेख का नाम है हरहा अभिलेख। क्या नाम है? हरहा अभिलेख। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हरहा लेख उत्तर प्रदेश से किस जिले में मिला है। आप जानते हैं ये क्वेश्चन कहां से है? ये क्वेश्चन है मौखरी वंश का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है? हरहा लेख है, ठीक है। कहां से क्वेश्चन है? ये मौखरी वंश का क्वेश्चन है। और मौखरी डायनेस्टी के शासक कहां के राजा थे? कन्नौज के शासक थे। मैंने आपको बताया है मौखरी शासन कहां था,
कन्नौज में था। तो हरहा लेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिला है? तो कहां पे मिला है सभी जानते हैं, ये मिला है बाराबंकी में। कहां मिला है बच्चों? बाराबंकी में मिला है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, हरहा लेख की खोज किसने की है? तो हरहा लेख की खोज किसने की है? तो किया है उसकी खोज एच एन शास्त्री ने। किसने की है खोज इसकी? एच एन शास्त्री ने की है। किस ईयर में किया अगर आपसे पूछा जाए तो 1915 एडी में किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरहा लेख किसने उत्कीर्ण करवाने का काम किया है? ठीक है, तो यहां पे हरहा लेख किसने उत्कीर्ण कराया? तो इसको उत्कीर्ण किसने कराया? इसको उत्कीर्ण करवाया ईशान वर्मन के पुत्र सूर्य वर्मन ने। किसने करवाया? ईशान वर्मन के पुत्र सूर्य वर्मन ने। तो इसका आंसर क्या होगा? सूर्य वर्मन होगा। क्या होगा? सूर्य वर्मन होगा। इसको किसने खुदवाया है? सूर्य वर्मन ने खुदवाया। अगर सूर्यवर्धन ऑप्शन में सपोज करो नहीं दिया हुआ है, सपोज करो ऑप्शन में सूर्य वर्मन नहीं दिया है, तो आंसर क्या होगा? ईशान वर्मन होगा। क्या होगा आंसर? ईशान वर्मन। सबसे महान शासक मौखरी वंश का अभी तक कौन रहा है? ईशान वर्मा रहा है। ईशान वर्मा से आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो यहां तक देख पा रहे हो आप चीजों को? हाँ, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसीरगढ़ मुल्ला लेख किसने? ये नसीरगढ़ नहीं है, ये है असीरगढ़। असीरगढ़, असीरगढ़ अगर आपने अकबर के बारे में पढ़ा है तो अकबर का लास्ट जो मिलिट्री एक्सपेंडिशन हुआ था वो असीरगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? असीरगढ़ में हुआ था। ठीक है, और असीरगढ़ में एक भूतिया जगह है, एशिया की सबसे भूतिया जगह कहाँ है? भानगढ़ में। यही भानगढ़ है, राजस्थान में है भाई, सभी जान रहे हैं ना। ठीक है, तो असीरगढ़ मुल्ला लेख किस शासक के समय का है? क्वेश्चन क्या है ये, किस शासक के समय का है? तो ये किस शासक के समय का है? ये उसके पांचवें शासक के समय का है। और पांचवा शासक कौन है? पांचवें शासक का नाम है सूर्यवर्मन या फिर सर्ववर्मन। इनको सूर्यवर्मन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सूर्यवर्मन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको सूर्य वर्मा भी मिले तो सूर्य वर्मा भी गलत नहीं है, सूर्य वर्मा भी ठीक है। ठीक है, नोट कर लो। चलो अब किसी और चीज के बारे में पूछा गया है। अब पूछा गया है बांसखेड़ा अभिलेख किसका शासनकाल का है? तो बांसखेड़ा का अभिलेख किस जिले में मिला है? पहले तो ये बता दो भाई किस जिले में मिला हुआ है। तो ऑप्शन ऑप्शन क्या है भाई? सहारनपुर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद या श्रावस्ती। तो बांसखेड़ा का अभिलेख कहाँ मिला हुआ है? शाहजहांपुर में मिला है। कहाँ मिला है बच्चों? शाहजहांपुर में मिला है। ठीक है, ठीक, ये कहाँ मिला है? शाहजहां में मिला है। ठीक है, इसी के नीचे जस्ट है मधुबन का लेख कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? तो मधुबन का लेख कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में? जानते हैं सभी लोग, मऊ में है, आजमगढ़ जिले में है। ठीक है, देखो क्वेश्चन सारे एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। ये जो दो है, बांसखेड़ा है, मधुबन है, ये दोनों वर्धन डायनेस्टी के काल का है। ठीक है, ये दोनों कब का है? वर्धन डायनेस्टी का है। ठीक है, कई सारे इंस्क्रिप्शन है बेसिकली, तो बहुत याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे आपको याद करना पड़ेगा सारी की सारी चीजें। ठीक है, चलो अब सबसे आसान क्वेश्चन, एहोल का इंस्क्रिप्शन किसका है? तो ये पुलकेशिन द्वितीय का है। ठीक है, इसमें बैटल बताया गया है, नर्मदा रिवर के बैंक पे बैटल बताया गया, हर्ष के बीच में और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में। ठीक है, और ये कब हुआ है बैटल? 618 एडी में हुआ है। ठीक है, एहोल इंस्क्रिप्शन कहता है पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई। कई सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन है जो ये कहते हैं कि नहीं, पुलकेशिन द्वितीय की जीत नहीं हुई, हर्षवर्धन की जीत हुई। तो हर्षवर्धन की जीत हुई कि पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई वो मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। खालिमपुर अभिलेख किस शासक का है? क्वेश्चन क्या है? खालिमपुर अभिलेख किस शासक का है? ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं पाल डायनेस्टी में। कहाँ जा रहे हैं? पाल वंश के। ठीक है,
पाल डायनेस्टी के शासक का कहाँ हुआ करते थे? बंगाल में हुआ करते थे, सभी को पता है भाई, बंगाल का शासन करते थे पाल डायनेस्टी के रूलर। तो खालिमपुर अभिलेख किस शासक का है? तो ये है धर्मपाल का। किसका है बच्चों? धर्मपाल का है, ठीक है। चलो, मुंगेर का अभिलेख कहाँ है? मुंगेर भी कहाँ पे है? बिहार में है। कट्टा के लिए बहुत फेमस है मुंगेर, सभी जानते हैं, ठीक है। मुंगेर का किसने किया है? तो ये किया है देवपाल ने। किसने किया है? देवपाल ने किया है, ठीक है। ये दो कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं? पाल डायनेस्टी के। पाल डायनेस्टी शासक कहां के हैं? बंगाल के हैं, ठीक है। चलो, जल्दी से खत्म करते हैं। ग्वालियर अभिलेख किस शासक के काल का है? ग्वालियर अभिलेख किस शासक के शासन काल का है? तो ये है मिहिर भोज। आपने कहावत सुनी होगी, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, वो वाला कहावत सुना है कि नहीं सबने? सुना है ना। चलो, अब है बिल्हारी लेख कहाँ है? बिल्हारी लेख है किसका लेख है? तो ये है युवराज का। किसका है? युवराज का, प्रिंस का है बिल्हारी आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के काल में कौन सा यात्री भारत आया था? विच ट्रेवलर केम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्ष? तो सभी जानते हैं कौन आया था, ह्वेंग सांग आया था। कौन आया था बच्चों? ह्वेंग सांग। और ह्वेंग सांग ने किताब लिखी, इस किताब का क्या नाम है? इस किताब का नाम है सीयूकी। क्या नाम है किताब का? सीयूकी नाम है, बहुत अच्छी किताब है सीयूकी, ठीक है। चलो, यहां तक देख लिया आपने, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़े। ओके, चलो वही क्वेश्चन पूछा है, सीयूकी की रचना किसने की है? तो सीयूकी की रचना किसने की है? ह्वेंग सांग ने की है। किसने की है? ह्वेंग सांग ने की है। ह्वेंग सांग, ऐसे स्पेलिंग लिखते हैं इंग्लिश में, देख लो, सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बादर स्तंभ लेख किस शासक का है? तो बादर स्तंभ लेख, फिर से एक पाल शासक से क्वेश्चन आया है, बादर स्तंभ लेख किस शासक का है? तो ये है नारायण पाल का। किसका है? नारायण पाल का, ठीक है। चलो, तो अभी तक हमने बेसिकली 30 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करा दिया। ये यूनिट नंबर 1 है एंशंट हिस्ट्री की, बीए थर्ड सेमेस्टर की। ऐसे ही यूनिट 2 आएगी, यूनिट 3 आएगी, उसमें भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कराने का काम करेंगे, ठीक है। प्लस आपको कुछ क्रक्स भी बताते रहेंगे चीजों का, जिससे आपको चीजें कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्या हो, क्लियर हो, ठीक है। चलो, जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ओके.